क्या नजारे हैं, वाह क्या नजारे हैं, तेरे जमीन पर आज ये सितारे हैं। ये तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं निकल रहा हूँ आज धुनाल्टी के लिए। धुनाल्टी से पहले हम कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा ब्रेकफास्ट है जिसमें ओट्स है और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, ये एप्पल है और ये ब्लैक कॉफ़ी विथ लेमन है। इसे पहले पियेंगे और आधे घंटे बाद इनको खाएंगे और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है। तो अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर बनना चाहते हो तो ये सब चीज़ें घर से कैरी करना चालू कर दो, क्योंकि बाहर यार पैसे बचते हैं ना। तो मैं ये ओट्स का पैकेट, ये देखो ये सफल ओट्स का पैकेट अपना घर से लेके चलाऊँ, और ये जो बर्तन है, ये डोंगा, ये भी घर से लेके चलाऊँ, ये चम्मच भी घर से, और ये कप भी घर से लेके चलाऊँ जो कि अंदर से स्टील का है, बाहर से थोड़ी सी फिनिशिंग प्लास्टिक की दी हुई है। ये गर्म पानी इनसे मंगाया मैंने और ये कप भी इनका है। तो अभी हम चलेंगे धुनाल्टी, और धुनाल्टी कैसे जाएंगे वो अभी आपको दिखेगा, क्योंकि धुनाल्टी हम नॉर्मल टूरिस्ट के जैसे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा अलग तरीके से जाएंगे, क्योंकि वी आर ट्रैवलर ना, हमको सस्ता भी करना है और कुछ अलग भी करना है। तो अच्छा, इस रूम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, ये 400 रुपये का रूम है, मुझे 400 का पड़ा है, अंदर आके है 100-200 मीटर अंदर आके। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत मॉल रोड दिखाएंगे और थोड़ा जो रास्ता है जहाँ से धुनाल्टी की गाड़ी मिलती है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अभी के अभी, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो अभी चलो ना, चलते हैं, पहले मैं ब्रेकफास्ट करके मिलता हूँ आपको रास्ते में, चलो। तो हम निकल पड़े हैं धुनाल्टी के लिए और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, हम धुनाल्टी जाएंगे जो कि लोकल बोलेरो या फिर वो मैक्स होती नहीं है, वो चलती है उससे जाएंगे। तो वो हमें मिलेगी यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वहाँ जाके मिलेगी, यहाँ से मतलब 1.5 किलोमीटर होगा, तो वहाँ से जाके हम लेंगे वो और वहाँ चल के बताते हैं उसका क्या किराया है और कितने रुपये में मैं धुनाल्टी पहुँच जाऊँगा। थोड़ा सा चढ़ाई पर है, थोड़ा चलना पड़ता है उसके लिए और खड़ी चढ़ाई है, तो कोई बात नहीं, हमें आदत है। अगर आपको आदत नहीं है तो आपके आप स्कूटी कर सकते हैं या गाड़ी ले सकते हैं या बस से जा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, हम वैसे जाएंगे। और भैया जी बढ़िया। तो ये पूरा मॉल रोड है और मैं जहाँ रुका हूँ वो थोड़ी ऊपर की साइड है। इंतजार तो शर्म। धुनाल्टी के लिए बोलेरो लेने के लिए या मैक्स लेने के लिए यहाँ पे शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति है, वहाँ से आपको राइट मुड़ना है, राइट मुड़ते लाल टिब्बा वाली रोड बोलते हैं, लाल टिब्बा वाली रोड पे आपको सीधा जाना है तो वहाँ से मिलेगी। अंकल ये लाल टिब्बा वाली रोड यही है, धुनाल्टी के लिए गाड़ी यहीं से मिलती है ऊपर से, ठीक है। तो ये देख लो, ये लाल टिब्बा वाली रोड है और ये बहुत खड़ी चढ़ाई पे है, यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर चलना होगा। अगर आप अकेले हो तो किसी से लिफ्ट ले सकते हो, बाकी मैं कोशिश करूँगा पैदल जाऊँ, बट अगर लिफ्ट मिल गई तो नॉट बैड, लिफ्ट भी ले लेंगे। तो भी चलो चलते हैं वहाँ। तो ऊपर जाते टाइम यहाँ पे कुछ मार्केट है, लोकल मार्केट है जहाँ आपको स्वेटर जैकेट वगैरह मिल रहे हैं और होटल्स हैं बढ़िया बढ़िया। ये बिल्डिंग देखो यार कितनी पुरानी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने का है, शीशे वीशे सब टूटे पड़े हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ कोई कार्ड भूल गया था तो मैं साइड दुकान देने गया, साइड वाले दुकान में, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैं यहीं रख देता हूँ एज इट इज़, कोई आएगा यहाँ, ओह शिट, वो तो पीछे गिर गया।
तो यहाँ रख दिया हमने कार्ड। तो हम पैदल जा रहे थे, यहाँ पे हमें लिफ्ट मिल चुकी है और भैया हमें छोड़ देंगे। कहाँ तक छोड़ दोगे भैया? मुझे तो वैसे लाल दिब्बा चौक नहीं है जहाँ से पेनल्टी की वो मिलती है गाड़ी, वहाँ तक छोड़ दोगे? नहीं, जहाँ तक आप जा रहे हो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो हमने लिफ्ट ले लिया है और भैया जी को थैंक यू है ऑन कैमरा हमारे यूट्यूब चैनल पर, थैंक यू भैया। ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, ये चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है। ओ ओ ओ देखो, मैं बोल रहा था ना आपको, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है ये देखो। ओह सामने गाड़ी आ रही है। तो ये है लाल टिब्बा चौक, एक बीच में मतलब खाई सा है और सर्कल सा बना हुआ है और वहाँ सामने मिलती है धोनाल्टी की बस, सॉरी क्या कहते हैं, बुलेरो। कोई बात नहीं, चले जाओ, बिल्ली कुछ नहीं होती, सफ़ेद बिल्ली है, काली बिल्ली का होता है। तो दीदी डर गई थी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसलिए ये सब मैं मतलब मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ। और देखो ऐसी गाड़ियाँ होती है जो जाती है। उससे पहले है ना एक ढाबा सा है, लोकल ढाबा, मैं लास्ट टाइम आया था तो वहाँ कुछ खाया था, तो अभी फिर से वहाँ चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है क्या। भूख भी लग गई है क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद भूख सी लग गई है अब। तो ये वाली हमारी बुलेरो हो गई है, बुक हो गई है। भैया खाना खाने नहीं दे रहे, बोल रहे जल्दी है। तो 100 rupees इसका किराया है जो कि धोनाल्टी तक छोड़ देगी, है ना। रास्ते में नज़ारे देखते हुए इससे मज़े लेते हुए जाएंगे। और ये हमारे ड्राइवर सर जी है, क्या नाम है आपका? सुमन सिंह। सुमन सिंह जी हमें छोड़ के आएंगे सेफली, है ना। ठीक है, थैंक यू। और इसमें एक फ़ायदा है, इसमें टूरिस्ट कम है, लोकल लोग ज़्यादा है। इस बहुत कम लोगों को ये जगह पता है तो यहाँ कम आते हैं, तो हम उनमें से हैं जो हम चीज़ें ढूंढते रहते हैं। नमस्ते दीदी, ठीक ठाक, कहाँ, यहीं से हो? हाँ, तो यहाँ पे भाभी लोग हमारी बैठी हुई है, एक माता जी। माता जी, माता जी सुनते नहीं है? अच्छा, आवाज़ चली गई है। तो अंदर हमारे कुछ लोकल लोग बैठे हुए ट्रैवलर, इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोकल ढाबा है, हम यहाँ से खा रहे हैं दाल चावल और यहाँ चाउमीन वगैरह भी खाते हैं। अंकल जी बैठ जाओ यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? राम राम, बस ठीक है। तो हम यहाँ पे खाने वाले हैं दाल चावल, और यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं तो लोकल लोग जाते हैं, और हेल्दी खाना है। क्यों अंकल जी? सही, आप यहीं के हो, उत्तराखंड लोकल? चलो बढ़िया है। हम क्या करते हैं कुछ काम है? कृषि, कृषि कार्य। अच्छा, वो भी काम है, क्या हुआ? तो ये हमारे दाल चावल है जिसके अंदर थोड़े से सैलेड है, खीरा भी है, बहुत हेल्दी है और लाइट है, तो सबसे बढ़िया बात लोकल जगह पर। तो अभी हम निकल चुके हैं धोनाल्टी के लिए। और धोनाल्टी कितने किलोमीटर भैया? यहाँ पे 26 किलोमीटर है यहाँ से। भैया ने आगे बैठने नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, पीछे भी हमारी दादी बैठी है। दादी नमस्ते। सुनते नहीं, दादी को सुनाई नहीं देता, कोई बात नहीं, फिर भी दादी नमस्ते। और नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से हेलो। और बहुत मज़ा आ रहा है लोकल लोगों के साथ ट्रैवल करने में। अगर आप भी ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मैंने जैसा बताया है उसको फॉलो करके आप लाल टिब्बा चौक तक पहुँच जाइए। लोकल लोगों के साथ बुलेरो में या फिर जो मैक्स चलती है उसमें ट्रैवल करने का एक अपना ही मज़ा है, एक अलग से कल्चर वल्चर के बारे में जानने को मौका मिलता है। और लोकल गाने भी चल रहे हैं इसमें। कौन सा गाना चल रहा है? पहाड़ी गाना, गढ़वाली, गढ़वाली गाना चल रहा है यहाँ पे। जो लैंग्वेज चलती है मसूरी में गढ़वाली चलती है, और वो एक और कौन सी होती है, कुमाऊँ? अच्छा, जौनसारी और कुमाऊँ वो यहाँ नहीं मिलती, यहाँ गढ़वाली चलती है। ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने से पहले ना ज़्यादा खाएं, ना ज़्यादा मतलब पानी पिए, नॉर्मल 1-1.5 घंटा पहले खाना खा लें, ताकि आपको रास्ते में ट्रैवल करते टाइम उल्टी उल्टी ना हो। उधर गुड़िया हमारी उल्टी कर रही है,
हो जाता चक्कर वक्कर आ जाता कभी कभी, लेकिन हाँ आप कोशिश कर सकते हैं कि ट्रैवल करने से पहले खाना ना खाएं, एक घंटा पहले खा लें, खाली पेट भी नहीं, एक घंटा पहले, है ना। बीच में रास्ते में रुकी है और यहाँ पे अगर आप धुनल्टी से आ रहे हैं तो दो रास्ते कट रहे हैं, एक ये जो रास्ता सामने देख रहे हैं ये जा रहा है गंगोत्री उत्तरकाशी, ये वाला, ये उत्तरकाशी जा रहा है ना ये रास्ता उत्तरकाशी, तो ये वाला रास्ता जा रहा है उत्तरकाशी, और ये वाला जो रास्ता है अपना ये मसूरी की तरफ जा रहा है बोला, और वो सामने रोड है सामने वाली सीधे बोला। जो पहाड़ के लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप ऐसे शहर में किसी से अगर बात करोगे नॉर्मली तो वो सोचेगा पता नहीं क्यों कर रहा है और ज़्यादा बात नहीं करेगा, मुंह नाक बनाने लगते हैं, बट जो पहाड़ी लोग होते हैं चाहे कहीं के भी हो, हिमाचल उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर कहीं के भी हो, आराम से बात करते हैं, सब कुछ बताते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है सिटी वाले लोगों को टाइम भी कम है, भाग दौड़ में इतना रहते हैं, है ना, सही बोलो गलत बोलो, तो पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं माता जी के, है जी। कद्दू हवा है, हाँ जी आप इसमें चले जाओ, किसमें, इसमें। तो धुनल्टी के बीच में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, ये देख लो सामने है, हम नहीं कर रहे हैं बाकी यहाँ पे होता है, और सामने वो देखो हिमालय की चोटी दिख रही है पूरी बर्फ़ से ढकी हुई, और यहाँ पे हमें गाड़ी एक्सचेंज करनी है, यहाँ पे हमारी जो है कार मतलब दूसरी बुलेरो मिल रही है, वो जो पिछले वाले भैया थे वो यहीं तक थे, बाकी आगे हमें दूसरी करवा के दिए उसी 100 रुपये के अंदर, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे हैं, इसका नाम है बुरास खंडा। अच्छे लोग मिले हैं, इन अंकल जी ने हमारी मदद करी, हमें यहाँ बिठाया खिड़की वाली सीट पे, इनको थैंक यू है, आप यहाँ के लोकल हो, देख लो बलेरो चेंज करने का भी फायदा हुआ हमें, अच्छा 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 कोई बात नहीं, जो भी हम मेरा फायदा हो गया, अलग अलग लोग मिले तो अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही है, अरे ये मालिक सर है, मैं दिल देखूं तुम क्यों लंबी कार देखो, मुंह उठा के जरा गलियों के बाहर देखो, सर्द मौसम में दिल फूक बैठे हैं, इल्म आशिक है साथ में लेकर सबूत बैठे हैं, फिर हो मुलाकात तो जुदा हमें मौत करे, तब तक डाल पर पंछी मलूक बैठे हैं।